होगी तभी तो बात, अगर मेरे अंदर जान अच्छी होगी तभी तो मैं भाग पाऊंगी, मैं खुद तो मरी मरी सी हूँ, मैं कैसे भागूंगी। मैम तो मेरे बाल मतलब थोड़ा सा उलझे हुए हैं एकदम, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं आपके आई हूँ इसको स्ट्रेट। सो ये हमारे पास क्लाइंट आए हैं और उनके बालों में फ्रिज है बहुत एक्सट्रीम लेवल का, और दीदी ने बालों में डाई भी लगा रखी है, हेयर आर वेरी ड्राई एंड वेरी डैमेज। सो फ्रेंड्स हम आपको लुक दिखाते हैं। हाय मेरी जान। हाय मैम। क्या नाम है आपका? एसपी जूली सिंह। जूली कहाँ से आए हो? यूपी आजमगढ़ से। यूपी आजमगढ़ से आप मेरे पास आए हो। आप प्लीज़ मेरी फ्रेंड्स को बताओ कि आपको अपने बालों में क्या क्या किया और क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुआ। अभी मैम तो मेरे बाल मतलब थोड़ा सा उलझे हुए हैं एकदम, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं आपके आई हूँ इसको स्ट्रेट कराने के लिए और शाइनिंग वाइनिंग थोड़ा सा। तो कलर कौन सा करते थे आप अपने बालों में? ब्लैक गार्नियर वगैरह का, गार्नियर का कलर करते थे। तो दीदी के बालों में अभी ड्राइनेस है, फ्रिज है। दीदी परमानेंट स्ट्रेट मांग रहे, पर हम परमानेंट स्ट्रेट नहीं करेंगे, पहले इनके बालों को हेल्थी करेंगे, क्योंकि परमानेंट स्ट्रेटनिंग में फिर भी अमोनिया होता है जो हेल्थी ही बालों में झेल सकते हैं, अनहेल्थी बालों में हम अमोनिया नहीं प्रेफर करेंगे। तो अभी हम इनके बालों को स्टडी कर रहे हैं कि कहाँ के इन्होंने बालों में पैचेस लगा रखे। कभी काली मेहंदी वगैरह भी आपने अपने लगाई अपने बालों में? जी हाँ। तो दीदी ने डाई भी का इस्तेमाल किया हुआ है, कलर भी लगाया हुआ है, तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। जब आप घर पे कुछ भी करते हो, प्रोफेशनली नहीं कराते, कभी कुछ ऐसे करके सब कुछ बालों में हो जाता है, और सब कुछ करने के बाद एक फाइनल रिजल्ट आना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अभी हम इनके बालों को हेल्थी करेंगे, इनकी इच्छा है इनके बाल स्ट्रेट करें, पर हम आपको बोल रहे हैं हम आपके बालों में पहले जान डालेंगे। जी, पहले बाल में जान होगी तभी तो बाल, अगर मेरे अंदर जान अच्छी होगी तभी तो मैं भाग पाऊंगी, मैं खुद तो मरी मरी सी हूँ, मैं कैसे भागूंगी। एग्जाम्पल के तौर पे है, ये एग्जाम्पल है। तो बाल अगर भी हेल्थी नहीं है तो बालों में हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो अभी हम दीदी के बालों में प्रोटीन करेंगे, एक अच्छा सा कट करेंगे, एक मेकओवर करेंगे, दीदी कहेंगे तो कलर भी करेंगे। उसके बाद इनके बाल एक हेल्थी पोजीशन में आएंगे, उस हेल्थी पोजीशन में ये अपने बालों का ध्यान रखेंगे, और उस ध्यान के बाद फिर हम स्ट्रेटनिंग प्रोसेस करेंगे। डन डालें। कुछ अपने बारे में बताओ मेरे फ्रेंड्स को। मैम आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, मैं आपकी बहुत बड़ी फ्रेंड हूँ, डेली देखती हूँ और देख के ही आई हूँ। सो स्वीट ऑफ यू। अपने बारे में भी तो बताओ, ये तो आपने मेरे बारे में। मैं जूली सिंह हूँ, आजमगढ़ यूपी से, और मेरे बड़े मम्मी पापा इधर समयपुर बादली में रहते हैं, पहले हम लोग भी इधर रहते थे, अभी गाँव रहते हैं। माता रानी आपको मेरे साथ हमेशा अटैच करके रखे। नवरात्रि का शुभ टाइम चल रहा है, तो अब हम दीदी के बालों में प्रोसेस कर रहे हैं। बैक विद द फाइनल रिजल्ट। हमने क्लाइंट के बालों में प्रोटीन ट्रीटमेंट कर दिया है और बाल बहुत हेल्थी और बहुत स्मूथ लग रहे हैं, और बालों में ड्राइनेस भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई है। स्ट्रेटनिंग की जगह प्रोटीन करवा सकते हो, मेक श्योर वो अच्छी क्वालिटी का हो, क्वालिटी ऑलवेज मैटर लॉट। अगर आप थोड़ा डाउन कराओगे तो डाउन रिजल्ट रहेगा, अच्छा कराओगे तो अच्छा रिजल्ट रहेगा, ये हमेशा वर्कआउट करता है। अगर आप प्रोटीन कराते हो और आपको बहुत एक्सेस हेयरफॉल हो रहा है, हेयरफॉल के बहुत सारे रीज़न है, मैं आपको ऐसा नहीं कह रही कि प्रोटीन करवाने से हेयरफॉल होता है, हेयरफॉल के बहुत सारे रीज़न होते हैं, जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है जो हमारा ड्राइनेस होता है। अगर आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल की ड्राइनेस है तो प्रोटीन हेल्प अ लॉट टू मेक इट हेल्थी। अगर ड्राइनेस के कारण, अगर प्यासे हो तो उसकी प्यास पानी ही बुझा सकता है, तो ड्राइनेस के कारण आपको जो हेयरफॉल हो रहा है तो वो प्रोटीन ट्रीटमेंट ही वर्कआउट करेगा। ये डिपेंड करेगा कि वो अच्छा है या बहुत अच्छा है या बहुत बढ़िया है, सो लेवल का फ़र्क आता रहेगा। हम क्लाइंट से उनका चॉइस पूछते हैं। खड़े हो ना बेटा। इज नोन एज लाइफ इज इक्वल टू स्ट्रगल। स्ट्रगल है लाइफ में और करनी चाहिए, हर इंसान की लाइफ में है। सो ये हमारा फ्रंट का रिजल्ट है, और पर्सनैलिटी में कितना चेंज आ जाता है। सो मेजन आप प्लीज़ अपने बताओ कैसा लगा आपको ट्रीटमेंट करवा के? बहुत अच्छा लगा। यू लाइक द सर्विस? ओके। पर परेशान तो नहीं हुए आप? नहीं। कुछ और बताओ यार अपने बारे में, कुछ मज़ेदार बताओ जो किसी को ना पता हो, हम चढ़ा दें। क्या बताऊँ? तो जी क्या पसंद है मुझे? हाँ आप पसंद है? ओ माई गॉड, आई लव यू टू डार्लिंग, आई लव यू। आप पसंद हो तभी तो इतने दूर से आए आपसे मिलने। मुझे भी आप बहुत पसंद हो। शी इज सीरियसली वेरी क्यूटी पाई, बहुत प्यारी है, बहुत सॉफ्ट है और बहुत
प्योर सोल की है, मुझे बहुत अच्छा लगा आप मेरे पास आए। आपका संघर्ष सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम कि आपने कितनी मेहनत से इतने बड़े मुकाम हासिल किया। अभी मुझे प्रेरणा मिलती है आपसे। माता रानी नवरात्रि का टाइम चल रहा है, माता रानी आपको तरक्की दे, कामयाबी दे। अभी मुकाम हासिल नहीं हुआ है पर ये तो बहुत थैंक यू आपने मुझे ये बोला। बट लाइफ में मेरी है, आपकी लाइफ में आपकी है। माता रानी आपको भी हिम्मत दे, ताकत दे और मेरी बहन मुझसे भी आगे कामयाब हो। थैंक यू मैम। एक लेडीज होकर इतना स्ट्रॉन्ग होना बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि आप जैसी मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो मुझे सपोर्ट करती है, इतना प्यार देती हैं। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के कारण मैं आज यहाँ पे हूँ। जो भी कुछ हुआ तो सच है मेरी जान, मुझे बीमारी में से भी उठाने वाले आप लोग हैं, मेरे डिप्रेशन में भी मेरी हेल्प करने वाले आप लोग हैं। तो आप लोगों के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ, ये सच है, ये पूरा सच है। आपकी वीडियो देख के मैम बहुत से ऐसी लेडीज हैं जिनको अच्छी मोटिवेशनल मिलती है एक सेल्फ डिपेंड बनने के लिए। माता रानी करे, वो सब लेडीज जो अपने जीवन में कुछ करना चाहती हैं, कर गुजरना चाहती हैं, वो आगे बढ़े और उनको तरक्की मिले। और मुझे भी आपने जो बातें बोली मेरा भी दिल टच हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ऐसा बोला। और ऐसा लेडी होके आप भी एक प्रेरणा के साधन है। ऐसी लेडी होके आप दूसरी लेडीज़ के लिए अच्छा बोल रहे, प्यार दे रही हैं, मोहब्बत दे रही हैं, सीखने की चाह होती है। किसी को भी, किसी से भी सीख ले, मुझे भी सीखने की चाह है तो उनको भी किसी से सीख ले, तो आपको भी कामयाबी मिले। आपका क्या सपना है? मैं तो अभी वैसे तैयारी कर रही हूँ, मैं LLB कर रही हूँ। LLB मेरा फर्स्ट ईयर है अभी। मैं वकील बनूंगी, उसके बाद जज बनूंगी। तो प्लीज़ इनके लिए प्रे करें और भगवान करे तुम बहुत बड़ी जज बनो, हाँ, बहुत बड़े ओहदे में जाओ, बहुत बड़ी बढ़िया वकील बनो। और वकील बन रही हो भाई तो माता रानी आपको कामयाबी दे। थैंक यू। आपकी तरक्की पाओ, आपको जीवन में जो चाहिए वो मिल जाए। थैंक यू। जय माता।